जिला मुख्यालय चंबा में गिरजाघर के लिए बनाए गए 120 साल पुराने गेट व साथ लगती दीवार को उखाड़ दिया गया है। इतने पुराने गेट व दीवार को उखाड़ने पर ईसाई समुदाय के लोग भड़क गए हैं। उन्होंने सोमवार को उपायुक्त चंबा को ज्ञापन सौंपकर इसकी जांच करने के साथ ही समुदाय के लोगों से पूछताछ किए बगैर गेट व दीवार को उखाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उपायुक्त से मिले ईसाई समुदाय के प्रतिनिधिमंडल में शामिल मानव, सुशील, संगीता, रवीना व राजन सहित अन्य का कहना है कि चंबा में बने गिरजाघर के 120 साल पुराने गेट को चर्च के पादरी ने उनसे बिना बातचीत किए उखाड़ दिया है। साथ ही चर्च के साथ लगी दीवार को भी उखाड़ा गया है। यह जमीन उन्होंने किसी को लीज पर दी है, यह किराए पर दी गई है। इसकी समुदाय के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि समुदाय के लोगों ने आज तक कई बार गेट सहित गिरजाघर के रखरखाव व मुरम्मत के लिए हमेशा प्रयास किए हैं, साथ ही इसके लिए सभी ने मिलकर योगदान दिया है, लेकिन अब उन्हें बिना बताए चर्च के गेट व साथ लगी दीवार को उखाड़ना अनुचित है। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि इस विषय की जांच की जाए व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेरा नाम राजन है, मैं मोहल्ला पकटाला से हूँ। ये हमारे सारे क्रिश्चियन भाई हैं जो हमारे साथ आए हैं। हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पास्टर है वो उसने कोई कलीसिया से बातचीत नहीं की, कोई हमसे बातचीत नहीं की, और अपनी मर्जी से ये ज़मीन जो है पता नहीं किसी को किराए पे दी है, लीज पे दी है, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए हम डीसी साहब से पूछने आए थे, वहाँ पे तोड़ डंगा वगैरह तोड़ रहे हैं। 120 साल पुराना गेट है वो उन्होंने तोड़ दिया है। हम इस विषय में डीसी साहब से मिलने आए हैं कि इसका कोई समाधान निकालें और इस चीज़ को रोका जाए। कम्युनिटी चंबा से आए हैं, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है चर्च में खड़ी हुई कि चर्च का जो मेन गेट है और उसके साथ जो दीवार है वो किन्हीं चर्च के पास्टर और अन्य किसी अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जो उनके द्वारा वो तोड़ी गई है, और वहाँ क्या बन रहा है इसी मसले को लेकर हम डी साहब से मिलने आए थे कि इस पर रोक लगाई जाए और चर्च कम्युनिटी को, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में चर्च के लिए भी कोई उसकी जो संपत्ति है उसके लिए कोई उसको कोई हानि हो, इसे बेहतर हम पहले पूर्व चाहते हैं कि जो चंबा प्रशासन है वो कम्युनिटी की मदद करे और सही हल ढूंढकर हम लोगों को इस समस्या का समाधान करे और उन लोगों के खिलाफ भी FIR हो जिन्होंने प्रॉपर्टी को तोड़ा है।